और इस इलाके के नगर सेवक बार बार नगर सेवक बनते रहे वसीम अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं और बड़ी जिम्मेदारियाँ इस इलाके में उनके सर पर है, उनके कंधों पर है। तो हम चाहेंगे कि आज के आखिरी दिन का ये जो मेले का मामला है वो बताएं कि आगे क्या है। जब से हमारे दीवान शाह दरगाह के ट्रस्टी खालिद भाई बने, जब से हमारी कोशिश थी कि जो पुराना जो मेला जो भिवंडी शहर में लगता था दरगाह दीवान शाह का उर्स मशहूर था, वो होना चाहिए। उस मसले को लेके हम लोग आमदार साहब से मिले, आमदार साहब ने अपनी कोशिश जारी रखी, एसीपी डीसीपी थे फिर भुजवाड़ा पुलिस स्टेशन से हमको परमिशन दिलाया और पिछले साल से ये हमारा मेला शुरू हुआ। और आमदार साहब को मैं इतना शुक्रिया अदा करूँगा कि जब भी दरगाह दीवान शाह का कोई भी काम रहा, ये सामने ब्लॉक का काम है, अंदर ब्लॉक का काम है, जावेद दलवी साहब, और उन्होंने जब भी हमने दरगाह के लिए, महापौर हमारे जावेद दलवी साहब हैं, आमदार साहब, लोग कहते हैं आमदार बीजेपी का है, मुस्लिम इलाकों में काम नहीं होता, मेरे भी अपने क्षेत्र में जो भिवंडी मतलब आजमी नगर है 7 नंबर वार्ड में 40 लाख का फंड इन्होंने दिया, मुझे स्कूल के लिए बेंचेस दिए, हंडी कंपाउंड में मैंने 20 लाख की इनके फंड से गटर बनाया, सामने दीवान शाह दरगाह के सामने जो ब्लॉक लगा है वो भी इन्हीं के फंड से बना हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ी है महापौर साहब जावेद दलवी साहब ने ये गेट बना के दे दी दीवान शाह दरगाह के लिए। तो जो भी बहुत से लोग आए यहाँ पर दुआ मांगने सब आते हैं बाबा से कि बाबा मुझे अगले चुनाव में जीतने के लिए दुआ दो, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ करता नहीं। ये दो आदमी है भिवंडी शहर में, जावेद दलवी महापौर साहब और महेश चौगले साहब, ये जब से आए दीवान शाह दरगाह पे जब भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने दिया है हमें। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मांगने तेरे दरबार में तो बहुत आते हैं मगर आने वाले ऐसे कम हैं जो यहाँ कुछ दे कर जाते हैं। ये थे वसीम अंसारी, भिवंडी शहर का बहुचर्चित चेहरा और दीवान शाह इलाके के नगर सेवक। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का। जय हिंद।